Hello Arvi, welcome to back my channel and how are you? I hope also fine. So Arvi, ये magical love connection का last part है, so I hope ये part आपको अच्छा लगेगा. अब चलिए video को start करते हैं. तुम उठ गए, क्या देख रहे हो? मैं तो अपनी beautiful सी wife को देख रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा beautiful लग रही है. ओह, तो तुम blush कर रही हो हाँ? पर मेरे सामने शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, because हम दोनों एक हो चुके हैं. अदाएं भी हैं, मोहब्बत भी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है. अरे आपकी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता. बिकॉज मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ. लव यू टू माय क्यूटी पाई, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. पर मुझे नहीं पता था कि तुम चेहरे से इतने भोले दिखते हो और अंदर से इतनी मॉन्स्टर हो. कल तुमने बहुत परेशान किया मुझे, मुझे कितना पेन हो रहा है पता है. अब मैं बाथरूम तक कैसे जाऊंगी, मैं कैसे फ्रेश होऊंगी? जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो तुम्हें क्या फिक्र करने की जरूरत है माय लव, मैं तुम्हें ले जाऊंगा. लो अब तुम तो फ्रेश हो सकती हो ना, या फिर मैं करवा दूँ? नहीं नहीं, इतना मेहरबान होने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी का मैं कर लूंगी. अब तुम जाओ. ओके बाय स्वीटहार्ट. ओके बाय, अब जाओ ना. फिर जंगल को वहां से चला जाता है. जिनू प्लीज, अब तो वो सच मुझे बता दो ना, तुम जो इतने सालों से छिपाते आ रही हो, तुमने कहा था कि जब जंगू की शादी हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी, तो प्लीज बता दो ना. ओके आर्यन, अब मैं आपको बता सकती हूँ, बिकॉज जो मुझे डर लगा रहता था वो डर खत्म हो गया. जंगू की शादी हो गई, अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है. क्या, जंगू की जान को खतरा था? पर कैसे? हाँ आर्यन, जंगू की जान को खतरा था, और ये बात तब की है जब मैं हॉस्पिटल में थी और हमारा बेबी आने वाला था. आपको पता है मुझे बेटा नहीं बेटी हुई थी. क्या बेटी? पर हमारा बेटा है ना? नहीं आर्यन, जंगू हमारा बेटा नहीं है, हमारी बेटी थी. कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस किम, आपकी बेटी हुई है. थैंक यू सो मच डॉक्टर. मैं ये न्यूज आपके हस्बैंड को दे दूँ, मगर वो तो बाहर है ही नहीं, वो कहाँ गए? वो एक्चुअली वो बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो बेबी के लिए गिफ्ट लेने गए हैं. आप रहने दीजिए, मैं बता दूंगी उनको. ओके जैसी आपकी मर्जी. एंड हाँ, आप थोड़ा सो लीजिए, अगर आप एक नींद सो लेंगे तो आपको बेटर फील होगा. ओके डॉक्टर, वैसे भी मुझे थका हुआ महसूस हो रहा है और मेरी बेबी भी सो रही है, तो मैं भी सो जाती हूँ. ओके तो फिर आप सो जाइए. इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली आती है और जिन भी सो जाती है. जिन को सोए हुए 10 ही मिनट हुए थे कि बेबी की रोने की आवाज से वो उठ जाती है. जिन उसे छुपाने लगती है कि अचानक वो देखती है कि वो गर्ल नहीं वो बॉय है, और वो बहुत शॉक हो जाती है. हाँ ये क्या, मेरी बेबी तो एक गर्ल थी ना, ये बॉय कैसे हो गई, ये मेरा बेबी नहीं है. चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाने ही वाली थी, लेकिन वो देखती है कि बेबी के पास एक लेटर पड़ा हुआ है और वो उठाकर पढ़ती है उसे. मैं जानती हूँ कि अभी आप बहुत घबराई हुई हैं, बिकॉज आपके पास आपका बेबी नहीं है. आई एम सॉरी, मैं आपकी बेबी को ले गई हूँ और अपने बच्ची को आपके पास छोड़ गई हूँ. इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा माफी मांगती हूँ, और शायद इसके लिए आप कभी मुझे माफ नहीं करे, पर प्लीज आप मेरी मजबूरी को समझ लीजिए. मेरे बच्चे की जान खतरे में थी, एक आदमी था जो उसके पीछे पड़ा है, उसे मारना चाहता है, इसीलिए मैं आपके पास अपनी बेबी को छोड़ जा रही हूँ और आपकी बेबी को अपने साथ ले जा रही हूँ. मैं आपके बच्चे का बहुत ध्यान रखूंगी, और प्लीज मेरे बच्चे का भी आप बहुत ध्यान रखना. एंड हाँ, वो आदमी सिर्फ मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है, वो जानता है कि वो एक बॉय है, इसलिए उसके पीछे पड़ा है. अगर उसे पता चलेगा कि मेरा बेबी एक गर्ल है तो उसका पीछा छोड़ देगा. एंड मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छे से पालूंगी, उसे एक माँ की कमी नहीं करने दूंगी, और आप भी मेरे बेटे को बहुत अच्छे से पालना प्लीज. एक माँ की ख्वाहिश है, प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप मेरे बेटे का ख्याल रखना. गुड बाय. एंड हाँ, उसकी जान को खतरा है तो उसका ध्यान रखना प्लीज. फिर लेटर खत्म हो जाता है. उसके बाद जिन सोचने लगती है, कितनी मजबूर है ये माँ, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर मेरा बेबी मेरे पास नहीं है. पर कोई बात नहीं, मैं इस बेबी को भी अपनी बेबी की तरह पालूंगी. एंड हाँ, नामजून से मैं क्या कहूंगी, उसे मैं कह दूंगी कि मेरा एक बेटा हुआ है. अपनी खुशी के लिए एक बच्चे की जान नहीं जाने दे सकती, मैं ऐसा नहीं करूंगी. नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि नामजून को भी नहीं. जिन ये सब सोच रहे थे कि वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपने किसी लेडी को देखा है जो कि एक बेबी के साथ है और वो बहुत घबराई हुई भी है? मुझे लगता है ये वही आदमी है जो उस बेबी के पीछे पड़ा हुआ है. नहीं मैं नहीं बताऊंगी. आई एम सॉरी, पर मैंने किसी को नहीं देखा, मैं सो रही थी, मैं अभी अभी उठी हूँ. ओके फाइन, मैं ढूंढ लूंगा. कब तक बचोगे तुम जंगो? किसी न किसी दिन तो तुम मेरे हाथ से मरोगे.
तो इस बच्चे का नाम चंकुक है, बहुत ही प्यारा नाम है। ना जाने इतनी क्यूट से बेबी के पीछे ये आदमी क्यों पड़ा हुआ है, उसे क्यों माना जाता है, आखिर क्या मिलेगा उसे इतनी क्यूट से बेबी को मारकर। फिर उसके बाद चंकुक की मॉम टे को पालती है और टे की मॉम चंकुक को पालते हैं, ऐसे ही वो लोग बड़े हो जाते हैं। वो को जब पता चलता है कि वो बॉय नहीं गर्ल है तो वो उसका पीछा छोड़ देता है। चंकुक की मॉम की डेथ टे के बचपन में एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है, इसलिए टे अनाथ है। आई होप आर्मी आप लोग कंफ्यूज मत होना, बिकॉज नामचिन जो है वो रियल लाइफ में टे की मॉम डेड है और चंकुक की मॉम ने टे को पाला था, लेकिन उनकी डेथ होने की वजह से टे अनाथ हो जाती है। वो चंकुक को बाहर ढूंढने की कोशिश करता मगर चंकुक नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने उसे ढूंढना बंद कर दिया था। उसने सोचा था कि जब चंकुक बड़ा हो जाएगा तो वो उसे मार देगा। जीना तुमने बहुत ठीक किया, मगर इस वक्त हमारी बेटी कहाँ होगी? पता नहीं आ रहा, पर मुझे महसूस होता है कि वो मेरे आसपास ही है। यानी कि मॉम डैड, मैं आप दोनों का सगा बेटा नहीं हूँ, जंगकुक की आवाज सुनकर नामचिन डोर की तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि जंगकुक वहीं खड़ा था और उसने सारी बातें सुन ली थी। दोनों भाग कर जाते हैं और जंगकुक को हाँ कर लेते हैं। बेटा प्लीज रोना बंद करो, तुम क्यों रो रहे हो और तुम ये सगे सौतेले क्या कर रहे हो? तुम मेरे सगे बेटे हो, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, प्लीज बेटा मत रो। पर मॉम आपने ये मुझे बात बताई क्यों नहीं? आपको लगा नहीं कि ये मुझे जानना जरूरी है, ये मेरा हक है? आई एम सॉरी बेटा, पर तुम भी जानते हो कि मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने नहीं बताया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा, ये जिनकी मजबूरी थी, देखो उसने मुझे भी नहीं बताया था तो वो तुम्हें कैसे बता देती, प्लीज बेटा उसे माफ कर दो। मॉम डैड, मैं आपका सगा बेटा नहीं था, मगर फिर भी आपने मुझे अपने सगे बेटे की तरह पाला, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होनी थी और मुझे इतना प्यार किया, थैंक यू सो मच। बेटा तुमने क्या इतनी देर से सगा सौतेला लगा रखा? मैंने कहा ना ये सगा सौतेला कुछ नहीं होता, तुम मेरे बेटे हो और मेरे ही बेटे हो, मैं हमेशा तुमसे इतना ही प्यार करती रहूंगी और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, तो प्लीज रोना बंद करो। हाँ बेटा प्लीज रोना बंद करो, तुम हमारे ही बेटे रहोगे। टे फ्रेश होकर बाहर आती है तो उसके गले का लॉकेट जो है जमीन पर गिर जाता है और वो अपने आप ओपन हो जाता है और उसमें से एक छोटा सा लेटर मिलता है और वो उठाकर उसे रीड करने लगती है। बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ और ये बात बहुत जरूरी है, मैंने सोचा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं बताऊंगी, पर मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं कभी भी मर सकती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया। इस लेटर को पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगेगा और तुम रोगी भी, पर अपने आप को संभाले बेटा, मैं तुम्हारी रियल मॉम नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बस पाला है, रियल मॉम तुम्हारी कोई और है, रियल मॉम को मैंने अपना बेटा दे दिया था और उनसे तुमको ले लिया। मुझे पता है कि आज तुम्हारी शादी हो गई है इसलिए ये लॉकेट अपने आप ओपन हो गया है और तुम्हें अपने मॉम डैड को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे पास ही है। तुम्हारी शादी चंकुक के साथ हुई है, यानी कि मेरे बेटे के साथ, बिकॉज डेस्टिनी के हिसाब से तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे के साथ ही हो सकती है और आज तुम्हारी शादी हो गई है, यानी कि तुम मेरे बेटे के साथ हो और जो चंकुक की मॉम डैड है वो तुम्हारे मॉम डैड। आई होप बेटा तुम मेरी बात को समझोगी और मुझसे नफरत नहीं करोगी। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। यानी कि मॉम मेरी असली मॉम नहीं थी, यानी कि जीना टी मेरी मॉम है और आर्यम अंकल मेरे डैड। और वो नामचिन के रूम में चली जाती है और वो दौड़ कर जाती है और जिनको हक कर लेती है। आई लव यू मॉम, आई लव यू सो मच, लव यू टू बेटा। वैसे बेटा तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? प्लीज मॉम कुछ मत बोलिए, बस मुझे ऐसे गले लगाए रही। ओके बेटा। ये देखो क्या हो गया, ये इतनी परेशान क्यों हो गई? जंकुक की नजर टे के हाथ में हुए लेटर पर जाती है और वो उसके हाथ से लेटर ले लेता है और उसे रीड करने लगता है और उसे भी सब कुछ पता चल जाता है। टे यानी कि तुम मेरी मॉम की असली डॉटर हो क्या? ये बेटा तो क्या कह रहा है? हाँ बेटा ये तो क्या बोल रहा है, टे हमारी बेटी है। हाँ मॉम डैड, टे आपकी बेटी है, ये लीजिए ये लेटर पढ़ लीजिए। फिर नामचिन वो लेटर पढ़ते हैं और उन्हें भी सब कुछ पता चल जाता है। उसकी बातें कहती है, हाँ मॉम डैड ये सच है, एक्चुअली जंकुक की मॉम जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर थी और उन्हें सब कुछ पता था कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए मुझे पता था कि मेरी शादी सिर्फ जंकुक के साथ हो सकती है, इसलिए मैं जंकुक को ढूंढ रही थी। पर बेटा वो आदमी जो जंकुक को मारना चाहता था, अगर वो फिर से आ गया तो? सॉरी मॉम, अब वो कभी नहीं आएगा, बिकॉज मैंने उसे मार दिया। क्या मार दिया, पर कब, कैसे? फिर देखो नामचिन को सारी बात बता देती है कि उनके पिछले जन्म में क्या हुआ और उन्होंने युनवो को कैसे मारा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों फिर से एक हो गए, अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ जीनू, आखिर हमारी फैमिली पूरी हो ही गई। नो अंकल, हमारे बिना आपकी फैमिली पूरी नहीं हो सकती, हमें भूल ही गए आप दोनों। चलो जीमिन, हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं, यहाँ पर एक फैमिली का मिलाव हो रहा है और हम इनके फैमिली मेंबर्स थोड़ी ना, हमें चलना होगा। हाँ शुगर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, टे भी मुझे भूल गई, चलो यहाँ से। इतना बोलकर
युरमिन वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन नामजिन वहाँ आते हैं और कहते हैं, बस बस अब तुम दोनों ने बहुत ड्रामा कर लिया, अब जल्दी से आओ और हम सब साथ में आ करते हैं। हाँ हाँ, हमारे हक में अभी दो लोगों की जगह खाली थी, तभी मेरी फैमिली पूरी होती। ओके थैंक यू सो मच मॉम डैड। मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा बिकॉज मेरे मॉम डैड ये दोनों पहले से हैं। ओके थैंक यू मत बोलना, अब आओ हक कर लो। फिर सभी एक ग्रुप हक करते हैं और उसके बाद हंसने लगते हैं। ऐसे ये स्टोरी एंड हो जाती है।